रेड जोन में दिल्ली एनसीआर, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बुलाई बैठक। पराली जलाने के मामले बढ़ने के साथ ही दिल्ली एनसीआर में हवा बहुत जहरीली हो गई है। दिल्ली के साथ साथ एनसीआर में शहरों में भी वायु गुणवत्ता सूचकांक 500 के पार पहुंच गया है और कहीं कहीं तो 600 के करीब भी है। बताया जा रहा है कि ये हालात अगले सप्ताह तक भी जारी रह सकते हैं। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के चौथे चरण को लेकर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। इस अहम बैठक में सभी संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बढ़ते प्रदूषण के बीच केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला, दिल्ली के प्राइमरी स्कूल कल से रहेंगे बंद। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा फैसला किया है। अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान किया कि दिल्ली के प्राइमरी स्कूल कल से अगले आदेश तक बंद रहेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साथ ही कहा कि उत्तर भारत को प्रदूषण से बचाने के लिए केंद्र को भी विशेष कदम उठाने की आवश्यकता है। दिल्ली में बिजली सब्सिडी के लिए आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ी, उपभोक्ताओं को मिली बड़ी राहत। दिल्ली में बिजली सब्सिडी लेने के लिए आवेदन की तारीख बढ़ा दी गई है। जिन लोगों को सब्सिडी चाहिए अब वो 15 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले आवेदन की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर थी। बता दें आपको कि केजरीवाल सरकार दिल्ली के सभी निवासियों को 200 यूनिट बिजली बिल्कुल मुफ्त प्रदान करती है, जबकि 201 से 400 यूनिट तक आधी दर वसूल की जाती है। उपराष्ट्रपति पहुंचे चंडीगढ़, एग्रोटेक इंडिया 2022 मेले का किया उद्घाटन। चंडीगढ़ के सेक्टर 17 स्थित परेड ग्राउंड में एग्रोटेक इंडिया 2022 मेले का आगाज हुआ। इसके उद्घाटन के लिए देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ एक दिन के दौरे पर चंडीगढ़ आए। ऐसे में शहर में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए। गौरतलब है कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी CII एग्रोटेक इंडिया 2022 का 15वां संस्करण 4 से 7 नवंबर तक परेड ग्राउंड में चलेगा। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।